या फिर आपने किसी और से जाकर करवाए? हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वही चिंटू जो पिछले साल दिसंबर और जनवरी में सर से क्लास लिए थे और एक साल के बाद फिर से हम सर से मिलने आए हैं। जब यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं और बहुत ही एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं तो काफी ज्यादा प्राउड फील होता है, इसीलिए हमने उनकी बातों को रिकॉर्ड करके रख लिया है। तो हम आपको भी सुनाना चाहेंगे तो सुना देते हैं। हमारे पास ये तीन स्टूडेंट है पिछले साल के, अली है, अब्दुल है और चिंटू है। तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए थे, इन्होंने कैसा काम किया और अपने आसपास के एरिया में जो तुम्हारे आसपास के और दूसरे पीसीबी रिपेयर करने वाले हैं उनके कंपेरिजन में कैसा काम आप कर पा रहे हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अली इमाम, मैं सिवान बिहार से रहने वाला हूँ। मेरा दुकान है स्टार रेफ्रिजरेशन जो बबुनिया मोड़ सिवान में है, बबुनिया मोड़ से जस्ट बगल में मार्केट है, ललन कॉम्प्लेक्स उसी में है। मैं पिछले साल यहाँ से कोर्स करके गया, सीख के गया और वहाँ पे अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो जैसा अली, तुम्हारे आसपास पहले से भी और लोग पीसीबी रिपेयर करते होंगे तो उनके कंपेरिजन में आपने कैसा काम किया, दूसरे पीसीबी रिपेयरिंग वालों के कंपेरिजन में? कभी आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है या किसी और से हेल्प लेनी पड़ रही है या कुछ सपोर्ट लेनी पड़ रही है, ऐसा? नहीं सर, हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, हमने जितना यहाँ पे सीखा मेहनत किया, ये चीज में होता है थोड़ा टाइम देना पड़ता है, शांति से काम करना पड़ता है, फिर सारा चीज जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और वहाँ पे रही बात दूसरे के कंपेरिजन में, तो हमने वहाँ पे दूसरे जो आदमी है वहाँ पे, हम नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उनके रिटर्न पीसी भी हमने करके दिया शुरू शुरू में, जब मैं यहाँ से गया सीजन शुरू होने वाला था तो वहाँ रिटर्न। अच्छा, तो जब आपने दूसरे ने किसी ने पीसी भी रिटर्न कर दिए जो नहीं हो पा रहे हैं वो आपने रिपेयर कर दिए, उस समय आपको कैसा लगा रिपेयर करके? फर्स्ट फीलिंग कैसी थी? उसके बाद बार बार होते रहे होंगे तो फिर तो कुछ ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन फर्स्ट फीलिंग कैसी रही? सर मैं फर्स्ट फीलिंग अब क्या बताऊं, जब वो पीसी भी लेके आया तो पहले ही पूछा कि बनेगा कि नहीं बनेगा बता दो। मैं बोला भाई पहले पीसी भी देखूंगा उसके बाद, तो मैं पीसी भी देखा, उसको टाइम दिया तो थोड़े टाइम लगे लेकिन बन गए। मैं उसको फोन करके बताया भाई आपका पीसी भी हो गया है। बोल रहा है क्या वो फोन पे कि क्या हो गया है? मैं बोला हाँ भाई हो गया है, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। दो बार पूछा, जब वो दुकान पे आया तो बोल रहा मैं आपका वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये पीसी भी दो तीन जो टेक्नीशियन है यहाँ पे, एक या दो टेक्नीशियन जो है रिटर्न कर चुके थे, पीसीबी टेक्नीशियन जी जो रिपेयर करने वाले हैं, और उसका खुशी का ठिकाना ना था, वो वीडियो मेरा बनाने लगा कि ये आपका पीसीबी नहीं बन रहा था और अली ने बना दिया। तो उस समय सर बहुत मतलब कि खुशी हो रही थी कि हमने कुछ किया, अच्छा लग रहा था उस समय, पूरा सीजन अच्छा निकला आपका, अच्छा काम किया जी सर। तो साथियों अब आप देख सकते हैं आपके सामने मिस्टर अब्दुल, आप बताओ कैसा काम किया पिछले सीजन में, कहाँ पर दुकान है और फंस जाते थे किसी दूसरे की हेल्प लेते थे या खुद से कर लेते थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा दुकान सिवान में बबुनिया मोड़ के पास जैन स्वीट्स है, जस्ट उसके बगल गली में है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बोर्ड कभी भी फंसे नहीं, किसी से हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ा हमको, सर का कृपा है। मात्र हम लोग 2 महीना का क्लास किए थे, दिन रात मेहनत किए, उसका परिणाम है कि हम लोग बोर्ड बना लेते हैं। थोड़ा सा समय देना पड़ता है, मेरे यहाँ इन्वर्टर बोर्ड तक सब आसानी से बन जाते हैं। और दूर के टेक्नीशियन लोग के लिए मेरे पास ये सुविधा है कि जो दूर से आते हैं उनको हम 1 से 2 घंटा समय लेकर तुरंत बना देते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। आपसे पहले भी वहाँ पर पीसीबी रिपेयर करने वाले होंगे तो वो भी पीसीबी रिपेयर करते होंगे, उन्हें देखकर आपको ऐसा लगा कि आपको नहीं आ रही है या आपसे नहीं हो रही है या आप उनसे जाकर करवा रहे हैं, क्या रहा? मैंने पिछले साल जनवरी फरवरी में यहाँ ट्रेनिंग लिया था 2 महीने का, मात्र 2 महीने का ही क्लास था, उससे पहले तो मैं पीसीबी रिपेयर नहीं कर पाता था। अभी कुछ मामला ये है कि हम इन्वर्टर इसी तक आसानी से बना लेते हैं, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। और सच तो ये भी है कि बहुत जगह से पीसीबी जो बनाने वाले हैं दूसरे आदमी उनके पास से पीसीबी बहुत छेड़ा हुआ आया है मेरे पास, वो भी हमने रिपेयर किए। तो जो टेक्नीशियन लेके आए थे फर्स्ट टाइम, पहले तो उनको भरोसा नहीं था, फिर जब हमने बना दिया तो हमें भी बहुत गर्व महसूस हुआ और वो भी गर्वान्वित हुए कि चलो
अब मेरा बोर्ड सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब से उनको इतना भरोसा है कि आज तक कहीं नहीं गए, टोटल बोर्ड हमसे बनवाते हैं और सर का कृपा है, बढ़िया से उन्होंने सिखाया, सब बोर्ड रिपेयर कर लेते हैं, कोई हेल्प का जरूरत नहीं है किसी से भी। बस इतना कहूँगा कि अच्छा सा सीजन बिता, सब कुछ सही रहा, कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ। वैसे तो सारे आते रहते हैं यहाँ पर ना, लेकिन सभी का वीडियो बनाने का विचार नहीं आता है, अभी ये चिंटू की वजह से विचार आया है। साथियों आप देख सकते हैं अब आपके सामने है चिंटू। चिंटू आप बताओ, यहाँ से जाने के बाद कैसा रहा? किसी भी रिपेयर करने की कोशिश की तो हुए या नहीं हुए, या फिर आपने किसी और से जाकर करवाए? हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वही चिंटू जो पिछले साल दिसंबर और जनवरी में सर से क्लास लिए थे, और एक साल के बाद फिर से हम सर से मिलने आए हैं। मेरा घर मुजफ्फरपुर बिहार हुआ। इतने दिन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ ऐसा बोर्ड आते हैं जो कि दूसरे पीसीबी टेक्नीशियन होते हैं उनके द्वारा छेड़ा हुआ बोर्ड होता है, उसको भी अब रिपेयर कर लेते हैं। और जहाँ तक रही बात सर का, जो सर हमको हमसे पूछ रहे हैं कि ये कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, तो ऐसा अब नहीं होता है कि नहीं हो, सारे बोर्ड हमने बना लेते हैं। हाँ, किसी बोर्ड को दो दिन टाइम देना पड़ जाता है, लेकिन सारे बोर्ड हमसे बन जाते हैं, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि हमसे नहीं बनता है।